दोस्तों आजकल हम अपने स्मार्टफोन और लैपटॉप के बिना अधूरे हैं, पर स्मार्टफोन और लैपटॉप भी एक चीज है जिसके बिना अधूरे हैं। क्या वो जानते हैं आप क्या चीज है? वो है बैटरीज। तो क्या आप इस बैटरीज के पीछे की साइंस जानते हैं कि कैसे ये बैटरी का इन्वेंशन हुआ? आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इस बैटरी के इन्वेंशन की जब शुरुआत हुई थी उसकी कहानी रिलेटेड है एक मेंढक से। तो चलिए आज हम देखते हैं इस बैटरी के इन्वेंशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष यादव। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बैटरी के बारे में। And all I feel is blue. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को समझने के लिए आपको वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो हमारी पिछली वीडियोस देख के इसकी नॉलेज ले लीजिए ताकि आप और आसानी से इसे समझ सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस पूरे ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ ए बैटरी के बारे में। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि बैटरी एक्चुअली में काम करती कैसे है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बैटरीज के बारे में। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ बैटरीज के बारे में। इनकी खोज का पूरा क्रेडिट दो वैज्ञानिकों को जाता है, गैल्विन एंड अलेसांद्रो वोल्टा। तो चलिए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ ए बैटरी के बारे में। आपको जान के ताजुब होगा कि बैटरी को जानने की जो शुरुआत हुई थी वो एक मेंढक की वजह से हुई थी। सन 1780 में लुकी गैल्विन नाम के वैज्ञानिक ने मेंढक पर कई प्रयोग किए। तब उन्होंने देखा कि मेंढक के पांव के पास एक ब्रेस हुक जो कि जिंक एंड कॉपर से बनी होती है, ले जाने पर मेंढक के पांव में एक झटका सा महसूस हुआ। उन्हें लगा कि वह एनर्जी जिसके कारण मेंढक के पांव में झटका लगा वह मेंढक की वजह से उत्पन्न हुई है, इसलिए उन्होंने इसे एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का नाम दिया। पर वोल्टा इस बात से बिल्कुल डिसएग्री हुए। उन्होंने अपने प्रयोग शुरू करें और तब उन्होंने पाया कि वह एनर्जी जिसकी वजह से मेंढक के पांव में झटका लगा वह मेंढक की वजह से नहीं बल्कि उस ब्रेस हुक की वजह से था। वो ब्रेस हुक जो जिंक और कॉपर से मिलकर बना हुआ था उनकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई थी। फिर उन्होंने अपने प्रयोग किए और वर्ल्ड की सबसे पहली बैटरी का निर्माण किया जिसे वोल्ट पाइल नाम दिया गया और जिसे हम द वोल्ट भी बोलते हैं। इस बैटरी में उन्होंने जिंक और कॉपर के कई प्लेट्स यूज करी और सभी जिंक और कॉपर की प्लेटों के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल को यूज किया। इस वजह से उनको एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और इसी वजह से उनकी बैटरी कामयाब हुई। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बैटरी काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए हम वोल्टा के बैटरी का ही एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं किसी भी बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इन दोनों टर्मिनल की वजह से इनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में। तो जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ हमेशा लोअर पोटेंशियल होता है एंड जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वहाँ हायर पोटेंशियल होता है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। तो जब हम किसी वायर को इन दोनों टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इनके बीच एक नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के कारण ही बैटरी काम करती है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बैटरी कितनी होती हैं, कितने टाइप्स की बैटरियां होती हैं। तो मेनली ये टू टाइप्स की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। तो अभी हम समझते हैं प्राइमरी बैटरीज को। तो प्राइमरी बैटरीज होती हैं और नॉन रिचार्जेबल होती है और इनमें केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं होती है। तो अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझें तो हम जैसे दूध से हम दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से हम दूध नहीं बना सकते, वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं हो सकता है। तो सेम बैटरीज में भी हम केमिकल रिएक्शन एक बार हो जाने के बाद उसको वापस नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह की बैटरीज को हम बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज। और इन बैटरी की जो लाइफ टाइम होती है वो बहुत शॉर्ट होती है। और इसके बाद हम बात करते हैं अब सेकेंडरी बैटरीज के अंदर। तो सेकेंडरी बैटरीज में क्या होती है, ये रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जैसे कि आपके मोबाइल की बैटरी, लैपटॉप की बैटरी, इन सबको हम रिचार्ज कर सकते हैं। इनके अंदर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है। अब इसको भी अगर हम एग्जाम्पल समझें तो हमें पानी को बर्फ तो बना सकते हैं, पानी को बर्फ बना सकते हैं और बर्फ को हम पानी भी बना सकते हैं। तो इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकती है।
तो केमिकल रिएक्शन भी इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो इस तरह की बैटरीज को हम बोलते हैं सेकेंडरी बैटरी, और इनकी जो लाइफ टाइम होती है वो लॉन्गर लाइफ टाइम होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी बैटरी। अब अगर हम दोनों एग्जाम्पल से समझें तो हम जो घड़ी में यूज़ करते हैं तो वो होती है प्राइमरी बैटरी, जो लगभग एक डेढ़ महीना चलती है, वो भी डिपेंड करता है हम क्या यूज़ करते हैं इससे। और दूसरी जो सेकेंडरी बैटरीज होती हैं वो होती हैं जिनको हम रिचार्ज भी कर सकते हैं, जैसे लिथियम आयन बैटरी, हमारे मोबाइल में लगने वाली बैटरीज, तो इन टाइप की बैटरीज के अंदर। तो चलिए अब हम समझते हैं कि रिचार्जेबल बैटरीज जो होती हैं तो एक्चुअली में वो काम कैसे करती हैं। तो किसी भी बैटरी को हमने जान चुके हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब हम पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कंडक्टर वायर को कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और करंट उसकी जस्ट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन ये जब पूरी प्रक्रिया जो ये ख़त्म हो जाती है, यानी जब पूरा जो नेगेटिव टर्मिनल जो है वहाँ पे पूरे ना कोई अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचता है कि आगे वायर में जाए, तो उस सिचुएशन में ये बैटरी हो जाती है डिस्चार्ज। तो बैटरीज को वापस रिचार्ज करने के लिए हमें ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि अभी तो बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है जिस वजह से हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन अगर क्या हो अगर हम इसके अंदर केमिकल रिएक्शन अपोजिट कर दें तो इस वजह से नेगेटिव टर्मिनल पर वापस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हम वापस इस बैटरी को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब होता है जब हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं। तो चार्जर को लगाने से एक्चुअली क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन मूव होके गए हुए होते हैं वो वापस आ जाते हैं नेगेटिव टर्मिनल पे। इस वजह से ये चार्ज हो जाने के बाद वापस जब हम चार्जर को अनप्लग करते हैं तब इलेक्ट्रॉन वापस मूव होते हैं और वापस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं एंड वापस करंट फ्लो होने लगता है। तो हमने इसमें देख लिया है कि अब चार्जेबल बैटरी एंड डिस्चार्जेबल बैटरी जो होती है उसको वापस कैसे रिचार्ज किया जा सकता है। और अब हम देखते हैं इनके एग्जांपल्स एंड इनके एप्लीकेशंस के बारे में, क्योंकि अब जो हम बैटरीज यूज़ करते हैं बहुत एडवांस हो चुकी हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे एल्कलाइन बैटरीज जो कि होता है जिंक एंड कार्बन की उनकी रोड होती है, और इनके जो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नीज ऑक्साइड होते हैं। फिर एल्यूमिनियम एयर बैटरीज, ऑटोमेटिक बैटरीज, बुनसन सेल, ये सारी जो बैटरी होती हैं सेम प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं प्राइमरी बैटरीज के। फिर सेकेंडरी बैटरीज के अगर हम बात करें तो इसमें बैटरीज आती है एल्यूमिनियम आयन बैटरी, फ्लो बैटरी, लीड एसिड बैटरी, ग्लास बैटरी, लिथियम एयर बैटरी, लिथियम आयन बैटरी जो कि हम यूज़ करते हैं लैपटॉप्स एंड अपने फोन्स में, जिनको हम वापस रिचार्ज कर सकते हैं, जो कि रिचार्जेबल प्रोसेस पूरी हो सकती है इसके अंदर। फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि बैटरी का इन्वेंशन कैसे हुआ और ये बैटरीज काम कैसे करती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।